फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी है वेज वर्मिसिली। बहुत सुंदर नाश्ते की रेसिपी। मैंने एक कप वर्मिसिली ली, एक अनियन, एक टमाटर, बॉयल्ड पीस, बॉयल्ड कॉर्न, ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर। अब बड़े ध्यान से देखिएगा रेसिपी। एक कप पानी लिया मैंने, ये बॉयल होने के लिए रखा और इसमें मैंने एक कप वर्मिसिली डाली उबलने के लिए। इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पर बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए, जिससे ये चिपके ना, इसमें मैंने एक टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल मिलाया। जब ये बॉयल हो जाएगी तो मैं इसको छलनी से छान लूँगा। अब मैंने एक टीस्पून रिफाइंड ऑयल लिया, इसमें मैंने जीरा डाला। जैसे जीरा क्रैकल हुआ, मैंने इसमें चॉप करी हुई अनियन डाल दी। प्याज को हम शैलो फ्राई करेंगे। जब ये मुलायम हो जाएगी, सुनहरी हो जाएगी, फिर मैं इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालूँगा। जो टमाटर है, मैंने इसके बीज वगैरह सब निकाल दिए हैं, केवल गूदा गूदा है। अब इसमें मैंने ये उबली हुई पौन कटोरी मटर डाली, फिर मिलाई मैंने इसमें कॉर्न। ये भी मेरे पास उबली हुई कॉर्न है पौन कटोरी। दो तीन हरी मिर्च चॉप करी हुई मिलाई। इसको अच्छी तरह से सौटे कर लीजिए। अब मिलाया मैंने इसमें बॉइल्ड की हुई वर्मिसिली। जब हम मसाले डालने का समय आएगा, उस समय हम मसाले डाल देंगे। मसाले के नाम पर मैं इसमें केवल नमक और लाल मिर्च डाल रहा हूँ, वो भी स्वाद अनुसार। अभी तैयार हो गया है। अब मैं इसमें चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर डाल देता हूँ। हरा धनिया मैंने इसमें मिला दिया। गैस बंद कर दीजिए, फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको बहुत हल्के हल्के मिलाइए, क्योंकि ये बहुत नाजुक हो चुका है। बहुत हल्के हल्के 3-4 बार मिलाकर इसको सर्व करने के लिए तैयारी कीजिए। आइए इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बेहतरीन नाश्ते के लिए, टिफिन के लिए ऑप्शन है ये। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, उनको आप टिफिन में दीजिए या ब्रेकफास्ट में दीजिए या शाम को स्नैक्स में दीजिए। सभी के लिए है ये बहुत सुंदर नाश्ता वर्मिसिली। मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।